नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड के, जो कि आपके रहेंगे फिलोसफी एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के, यानी कि शिक्षा के दर्शन एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के। आपके ये यूनिट थर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड में आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप उनको देख चुके होंगे और उनको लर्न भी कर चुके होंगे। तो चैनल पर बने रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके एग्जाम में आपको 100% आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छी मेरिट अपनी बना सकते हैं उनको याद करके। ठीक है, उनको लिख सकते हैं, उनको लीड देखो रीड जरूर करिएगा। अगर लर्न नहीं कर रहे हैं, रीड जरूर करिएगा, 4 से 5 बार आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रहते हैं। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, वो आपका ये है लॉन्ग का, कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त यंत्र है। इस कथन की पुष्टि पुष्टि कीजिए तथा उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग में आपका क्वेश्चन बनता है। एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज एज वेल एज सोशल कंट्रोल। डिस्कस एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट एंड इलस्ट्रेट योर आंसर विद एक्सप्लेन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है यूनिट थर्ड का। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करके जाने हैं। 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वो आपका यह है कि समाज कल्याण के एक साधन के रूप में शिक्षा विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आपका बनता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका ये है, आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा क्या भूमिका अदा करती है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थर्ड यूनिट का आपका रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडर्नाइजेशन। व्हाट रोल एजुकेशन प्लेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका 2017 का ये आपका रहता है। बालक के समाजीकरण करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो बालक के समाजीकरण करने वाले तत्वों का आपको वर्णन करना है, जो कि आपका शॉर्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, इंडिकेट द फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, कि सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक विनियोग है। सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक विनियोग है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि मानव संसाधन विकास तथा शिक्षा किस प्रकार संबंधित है। ये आपके दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट में रहते हैं। हाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर रिलेटेड, या ये फिर आ सकता है प्रूव दैट एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों बनते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसको लिख लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट थर्ड के। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम हैं, तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 100% यही क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा लास्ट में जाके, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आप लर्न कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, पढ़ते रहेगा, स्टडी हार्ड, रीड करना है कम से कम 4-5 बार एक क्वेश्चन को, अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।